अब हम भिन्नों का आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम को देखते हैं। आरोही क्रम या बढ़ते क्रम का मतलब है जो भिन्न सबसे छोटी होगी वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद उससे बड़ी वाली भिन्न आएगी, उसके बाद उससे बड़ी वाली भिन्न आएगी और अंत में सबसे बड़ी भिन्न आएगी। मतलब सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न रहेगी और सबसे आखिरी में सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसको बहुत सावधानी से अपने को जमाना रहता है और एक एक करके धीरे धीरे करके जमाने से कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको भिन्नों की तुलना आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो गई हो, अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट है कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, तो यहाँ भी स्थिति बिल्कुल वैसी है। 6, 3, 8 और 4 हमें इसका लघुत्तम निकालना है ना। और इनका लघुत्तम निकालने का मतलब यही है कि हम फिर से चाहे तो अपवर्त वाली विधि निकाल सकते हैं, और यदि आप दूसरी विधि जानते हैं तो दूसरी विधि भी बन जाएगी। लेकिन चूंकि अभी मैंने अपवर्त विधि से आपकी आपको बताया था तो उसी आधार पर हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो देख लेते हैं, 6 के अपवर्त हो जाएंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। तो हर 6, 3, 8 और 4 हमें इसका भी लघुत्तम समापवर्त निकालना है, अपवर्त विधि से निकालना है। तो हमने सबके अपवर्त लिख लिए हैं, 6 के अपवर्त, 3 के अपवर्त, 8 के अपवर्त और 4 के अपवर्त। अब इनके जितने भी अपवर्त जो समान होंगे, जो सब में होंगे, उसको देख लेते हैं। जैसे 6 का अपवर्त में 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। 3 के अपवर्त में 3, 6, 9, 12, मतलब 12 दोनों में आ रहा है। 8, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। तो हम देखते हैं 6 चौक 24, 3 अट्ठे 24, 8 तिया 24 और 4 छक्के 24। तो 24 सब में है तो हम इसको 24 को चिन्ह लगा लेते हैं हम लोग। यदि 3 के पहाड़े को मैं और ज़्यादा लिखने की कोशिश करता तो निश्चित रूप से मेरे को और भी अपवर्त मिलते, जैसे 30, 33, 39, 42, 45, 48। वैसे 8 के अपवर्त में तो है और इसके भी लिख लेते हैं हम लोग, तो 44, 48 और 52। तो यदि हम दूसरा भी भिन्न खोजने की कोशिश करते इसमें, तो 6 के बाद में यहाँ 24 आया। अब यहाँ पर हमको देखते हैं तो 30 तो दोनों में है, लेकिन 30 8 के पहाड़े में नहीं आता, 4 के पहाड़े में नहीं आता। 36 वैसी 6 के पहाड़े में आता है, 3 के में आता है, 8 के में नहीं आता, 4 के में आता है। 42 6 में आता है, 3 में से भाग चला जाएगा, है ना, आता भी है और 8 के पहाड़े में लेकिन नहीं आता है। तो ये 48 दिख रहा है जो हमको सब में मिल रहा है। देखिए 3 के में भी है, 8 के में भी है और 4 के में भी है। तो 2 अपवर्त हमको समान अपवर्त मिल रहे हैं यहाँ पर, 24 और 48। यदि ये दोनों समान अपवर्त हैं तो हम इसे लिख लेते हैं समान अपवर्त हमको लिखे हैं 24 और 48। अब लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? लघुत्तम का मतलब ही यही है कि जो समान अपवर्त होंगे उसमें जो सबसे छोटा होगा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हो जाता है 24। तो ये लघुत्तम समापवर्त हमारा हो जाएगा 24। मतलब इन सारे भिन्नों को ऐसे तुल्य भिन्नों में बदलना है जिनका हर जो है वो 24 होगा, और इसी आधार पर हम इसे निकालेंगे। इनको मिटा देता हूँ, आगे की अपनी प्रक्रिया जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो इनकी अब ज़रूरत हमको नहीं पड़ने वाली है। जब तक हम लघुत्तम निकालते हैं तभी तक हमको इनकी ज़रूरत है, उसके बाद हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी है। तो ये पहला है 5/6। अगर 6 के पहाड़े में हम देखते हैं तो लघुत्तम समापवर्त कितने बार में आता है? 6 चौक 24, मतलब 4 बार में आता है। तो हम इसे तुल्य भिन्न बनाएंगे, गुणित 4 करके। 2/3 में 24 कब आता है? 3 अट्ठे 24 होता है। तो हम 2/3 का तुल्य भिन्न निकाल लेते हैं, गुणित 8। 7/8 में 8 तिया 24 होता है, तो 8 तिया तो गुणित 3। और 3/4 में 4 छक्के 24 होता है, तो गुणित 6। अब हम देखेंगे इनको गुणा करके कि सबके हर में 24 होना चाहिए, तो 20/24
16/24, 21/24, 18/24। हम देखते हैं कि सारे के हर 24 वाले हो गए हैं, अर्थात ये सब इन जो हमको भिन्न दिए हुए थे उसके तुल्य भिन्न हैं जिनके हर 24 हैं। ये 5/6 का, ये 2/3 का, ये 7/8 का, ये 3/4 का। अब बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, तो जैसा बोला था कि यदि हर समान होते हैं तो अंश पर निर्भर है, जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। तो यदि हम देखते हैं तो 16/24 जो है वो सबसे छोटी भिन्न है। आप इसको गोला लगा के सबसे पहले लिख सकते हैं आरोही क्रम में, तो सबसे पहले हो जाएगी 16/24 वाली भिन्न, ये 16/24। अब इससे बड़ी तो चिन्ह ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमको इससे बड़ा लेना है। 16 के बाद में अंश बड़ा है 18, तो हम 18/24 को ले लेते हैं। 18 के बाद में है 20, तो 20 वाले को ले लेते हैं हम लोग। और सबसे बड़ा दिख रहा है 21/24, तो हम ये 21/24 को ले लेते हैं। इस प्रकार से ये अभी बढ़ते क्रम में लिखा गया है, लेकिन जो मूल भिन्न है जो हमें दिया गया था प्रश्न में, वही हमारा उत्तर होगा। उसे ही हमको आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा, उसे ही हमें बढ़ते क्रम में रखना पड़ेगा। तो 16/24 जो था वो सबसे पहला वाला था, दूसरा वाला था 2/3, तो हम इसे लिख लेते हैं 2/3, ये सबसे छोटा है। उसके बाद 18/24, कौन सा वाला था ये 18/24, ये 3/4। अब 3/4 को लिख लिए। अब हमारा है 20/24, वो ये है 5/6, तो हम 5/6 को लिख लिए। और सबसे बड़ा हमारा था 21/24, वो है 7/8 वाला। इस तरीके से हम भिन्नों को आरोही क्रम और या बढ़ते क्रम में हम लिखते हैं। इसका घटते क्रम भी बिल्कुल, प्रक्रिया बिल्कुल यही है, लिखते समय में कोई भी अंतर नहीं होता है। अगर मुझे इसे घटते क्रम में लिखना पड़ेगा तो मैं इन्हीं संख्याओं को घटते क्रम में लिख लेता हूं, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि घटते क्रम बनाने में भी सारी प्रक्रिया एक जैसी चलेगी, जैसी यहां तक है बिल्कुल। ये बस ये जो मैं आरोही क्रम करके लिखा हूं, इसे ही मैं घटते क्रम में लिख दूंगा तो ये बन जाएगा। अगर यही अभी मेरा अवरोही क्रम होता, अर्थात घटते क्रम में, यहां तक की स्थिति में चाहे आप घटते क्रम बनाएं चाहे बढ़ते क्रम बनाएं, आपको पूरी प्रक्रिया ऐसी करनी है। ऐसे ही पहले अपवर्त लिखने हैं, ऐसे ही आपको लघुत्तम समापवर्त निकालने हैं, ऐसे ही आपको इनके में इनको गुणा करके इनकी तुल्य भिन्न निकालनी है सबकी बारी बारी से। और तुल्य भिन्न निकालने के बाद आपको अब देखना है कि मुझे इसे बढ़ते क्रम में लिखना है कि घटते क्रम में लिखना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब अवरोही क्रम में अर्थात घटते क्रम में हमें लिखना है। घटते क्रम का मतलब होता है जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो सबसे पहले हो जाएगी, जो और उसके बाद उससे छोटी भिन्न उसके आगे लिखते जाएंगे। तो सबसे बड़ी भिन्न जैसा उस समय था कि जो सबसे आखिरी में आई थी 21/24, वो अब सबसे बड़ी भिन्न है तो वो सबसे पहले आ जाएगी, वो 21/24। और वही क्रम में सबसे पहले हमारी 21/24, उसके बाद उससे छोटी है 20/24, फिर 20/24 से छोटा है 18/24, और सबसे छोटा है 16/24। ये अब इस बार आखिरी में हो गया, बस क्रम बदल गया है। अब अगर हमें फिर से वही करना है, जो मूल भिन्न है वही हमारा उत्तर होता है, तो 21/24 किससे बना था, 7/8 से, तो 7/8 हमारा सबसे पहले लिखा गया घटते क्रम के लिए। 20/24 मतलब 5/6 हो गया, 18/24 मतलब 3/4 आ गया, और 16/24 मतलब 2/3। इस प्रकार से हम इसे घटते क्रम में लिख सकते हैं, और ये हमारा तरीका है। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम घटते क्रम, प्रक्रिया बार बार बता रहा हूँ, प्रक्रिया बिल्कुल एक जैसी है, इसलिए हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसको दोबारा फिर से पूरी प्रक्रिया को नहीं बता रहा हूँ, बस यहाँ लिखने का जो तरीका है वही फिर आपका बदल जाता है। आरोही क्रम वाले में कुछ एक चीज़, आरोही क्रम या अवरोही क्रम वालों में एक चीज़ मैं शायद छूट रहा था मेरे से, उसे मैं डाल देता हूँ कि अभी हम लोगों ने इसके पहले तुलना करते समय में हम लोगों ने देखा था कि अंश समान होंगे तो और हर समान होंगे तो, दोनों स्थिति में। तो हर समान वाला तो
मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, अंश समान होंगे। मान लो हम लोग लिख सकते हैं कि 5/11, 5/8, 5/3 और 5/17। अगर हमको इन भिन्नों को बढ़ते क्रम या फिर हमको घटते क्रम में हमें इसे जमाना होगा तो हम इसे कैसे करेंगे। उस समय भी मैंने बोला था कि अगर अंश समान होता है तो हर की स्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन बस जब पहली वाली स्थिति जो थी कि हर समान होने से अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी, यहाँ उल्टा हो जाएगा। जब अंश समान रहेंगे तो हमें हर को देखना पड़ेगा, लेकिन जब हर बड़ा होगा तो वो भिन्न छोटी होगी और जो हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। यहाँ हम देखते हैं कि अभी सब में अंश समान है, 5/11, 5/8, 5/3 और 5/17। तो यदि सब में अंश समान है तो हर अगर बढ़ते क्रम में बनाना है तो सबसे छोटा हो जाएगा जो हर सबसे बड़ा होगा। तो 11, 8, 3 और 17 में सबसे बड़ा हर है 17, तो ये भिन्न सबसे छोटी होगी, मतलब 5/17 सबसे छोटी भिन्न होगी। उसके बाद उससे बड़ी वाली हो जाएगी 11, 8 और 3 में से 11 जो है वो इन दोनों से छोटी है, तो हम लिख लेते हैं 5/11, और 8 और 3 वाले में हो जाएगा 5/8 और फिर हो जाएगा 5/3। इस प्रकार से हम इसे बढ़ते क्रम में जमाते हैं, सबसे छोटी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी। इसी प्रकार यदि हम अवरोही क्रम में जमाते तो ये उल्टा हो जाती है। अभी पूरी क्रम देखिएगा, अवरोही क्रम अगर हम लिखते तो जो सबसे छोटा हर होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, मतलब 5/3, जिसे हमने उस समय सबसे आखिरी में लिखा था, अब हम उसको सबसे पहले लिख लेंगे 5/3। उसके बाद इससे छोटी है 5/8, फिर इससे छोटी है 5/11 और सबसे छोटी है 5/17। तो इस प्रकार से हम लोग आरोही क्रम और अवरोही क्रम को समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको पक्का समझ में आया होगा। अगले एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों के प्रकार, जो भिन्नों के 3 प्रकार बताए गए हैं उन्हें मैं पूरी तरह से डिफाइन करने की कोशिश करूँगा, उन्हें तरीके से उसकी अवधारणा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।